गुड मॉर्निंग एवरी वन हम आई ऑडिबल एंड विजिबल एक बार बताइए मेरी आवाज प्रॉपर है क्या सभी को इज एवरीथिंग क्लियर सब कुछ डन है भाई एक बार बता दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर है अपेक्षा पटेल वसंती गौतम अनुपम यादव मोनिका डॉक्टर शुरबी शुक्ला डॉक्टर शालिनी हिल्पा सनी विश्वकर्मा ओके एवरीथिंग क्लियर सब कुछ डन है मेरी आवाज़ आ रही है बफरिंग तो नहीं हो रही है ना फरिंग तो नहीं हो रही है चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, YouTube पे मेरा YouTube पे मेरे मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं ठीक है जिसमें कंप्लीट प्रोटीन हमने पढ़ाया हुआ है कंप्लीट लिपिड्स हमने पढ़ाया हुआ है ठीक है सुप्रीम जब सुप्रीम बैच स्टार्ट हुआ था उस वक्त का लेक्चर है और अभी आज हम कार्बोहाइड्रेट आज कार्बोहाइड्रेट और कल दो दिन हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे ठीक है तो दो दिन हम लोग क्या करेंगे <coughs> कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट लगभग अच्छा राजकुमार यादव बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही है अच्छा आप आ गए बहुत अच्छी बात है अब बिल्कुल कहते हैं ये बिल्कुल सच्चाई है कि लड़के क्लास में काफ़ी कम उपस्थित होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स ठीक है लेडीज़ के कंपैरिजन में जो है ना जेंट्स की संख्या काफ़ी कम होती है लाइव क्लास में और परफॉर्मेंस में भी देख लीजिए कहीं ना कहीं चाहे हम किसी भी तरीके का टेस्ट लें या किसी भी तरीके का रिजल्ट हो परफॉर्मेंस में भी वहाँ पर जो है आ, <coughs> कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है हमें इसलिए हम बोलते हैं ऐसा कुछ वाय बाकी बायस्ड नहीं है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो YouTube पे मेरे बहुत सारे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के बहुत से लेक्चर मिलेंगे आपको एंजाइम भी मिल जाएगा आपको प्रोटीन्स भी मिल जाएगा आपको लिपिड्स भी मिल जाएगा लेकिन जो नहीं मिलेगा वो है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हम आज आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप पूरी कोशिश करिएगा दो लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे आज और कल ठीक है तो आज और कल दो दिन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखिएगा स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स विजिबिलिटी है विजिबिलिटी है क्या सभी को एक बार बताइए विजिबिलिटी है एवरीथिंग क्लियर ठीक है एक बार बताइए सभी लोग डन है इस बार सुप्रीम 2.0 में रिकॉर्ड बनेगा मैम बिल्कुल बहुत अच्छी बात है रिकॉर्ड अच्छी बात है भाई बहुत अच्छी बात है रिकॉर्ड हम तो चाहते हैं कि रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनाए आप लोग ठीक है हम तो चाहते हैं रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बने तो आप लोग एकदम रेडी रहिए रिकॉर्ड बनाने के लिए चलिए अब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की जैसे कि सबको पता है कि इसको हम शर्करा के नाम से जानते हैं है ना तो कार्बोहाइड्रेट है क्या देखिए सिंपल सी बात है अगर इसका अगर हम विश्लेषण कर दें एनालिसिस कर दें तो हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है हाइड्रेट्स का मतलब हाइड्रेट्स का मतलब हम एच टू ओ लिख सकते हैं इसको ऑफ कार्बन ठीक है ध्यान से देखने की कोशिश करिए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एच टू ओ इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं एच टू ओके ऑफ कार्बन ऐसे लिखा जा सकता है तो हम सीधे सीधे या तो हम इसको ऐसे लिख दें सी एच टू ओ ऐसे लिख सकते हैं यहाँ सी उठा लीजिए इसको ऐसे उठा लीजिए तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे दिख रहा है दिस इज वॉट द एक तरीके से हम कह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है वन टू वन हो यही है ना सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जहां पे वन टू वन हो इसको हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं ठीक है इसको हम क्या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है मेरी आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है सभी को ये एग्जैक्ट डेफिनेशन इसलिए नहीं है कि अगर हम इस डेफिनेशन पे जाएं कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वन टू वन है तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट कह लेंगे तो ये क्या है वॉट इज द्री दिस सी एच थ्री सी ओ एच अब बताइए ये ये हम सभी जानते हैं कि ये है एसिडिक एसिटिक एसिड ये क्या है एसिटिक एसिड है और आप एसिटिक एसिड में देखेंगे तो एसिटिक एसिड में भी कार्बन आप देखिए दो है ठीक है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है कार्बन दो है हाइड्रोजन चार है और ऑक्सीजन दो है तो हम कह लेंगे यहाँ पे भी रेशियो कितना है यहाँ पे भी रेशियो वन टू वन है तो क्या एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है इज दिस कार्बोहाइड्रेट इज दिस कार्बोहाइड्रेट क्या ये कार्बोहाइड्रेट है नहीं है बिल्कुल नहीं है जबकि जबकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है वन टू वन है फिर भी इसको हम कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं कहते क्यों नहीं कह रहे हैं अगर हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वन है यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है तो ये कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं है दूसरा हम एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं आप सभी के सामने एक और फार्मूला इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो वन टू तो वन ठीक है दूसरा हम एक और फार्मूला आपके साथ लिख रहे हैं लैक्टिक एसिड ठीक है लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री अब आप लैक्टिक एसिड भी देख सकते हो कि लैक्टिक एसिड में कार्बन ठीक है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वन टू वन है अगर हम लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिखें तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला सी एच थ्री सी एच ओ एच ठीक है और सी एच टू सी एच ओ एच ठीक है ये हो गया ये हमारा लैक्टिक एसिड है ये हमारा क्या है लैक्टिक एसिड है एक मिनट तीन ऑक्सीजन कहीं एक कम पड़ रहा है ऑक्सीजन कहीं एक कम पड़ रहा है लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताए अच्छा नहीं सीओ एच रहेगा यहाँ हाँ सीओ एच रहेगा कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा यहाँ तो देखिए ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है तो क्या लैक्टिक एसिड भी लैक्टिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना अब आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए क्या हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वन टू वन जहां भी होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा एनिमल बिहेवियर किस किस बैच में है भाई एनिमल बिहेवियर पढ़ाया तो है हमने किस बैच में है एनिमल बिहेवियर पढ़ाया गया है तो आप पहले बताओ कि पहला एक्सेप्शन हमने आपको ये बताया और दूसरा एक्सेप्शन हमने आपको ये बताया ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है जबकि इनका रेशियो वन टू वन आ रहा है तब भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ओके तो चलिए तो कार्बोहाइड्रेट कहेंगे किसे हम तो देखिए इसका हम एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन हम कह सकते हैं हम एक मान सकते एक सिनेरियो मान सकते हैं कि मोस्ट ऑफ केसेस में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशो वन टू वन होते हैं ठीक है लेकिन हम इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या लिखते हैं एग्जैक्ट डिफिनिशन इसका हम लिखते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एसिटोन या हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ध्यान से देखना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम क्या कहेंगे क्या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट और याद रख कुल मिला के कहने का मतलब एल्डिहाइड का मतलब प्रेजेंस ऑफ सी ग्रुप ठीक है सीएचओ ग्रुप और कीटोन का मतलब प्रेजेंस ऑफ सीओ ग्रुप कीटो ग्रुप है ना और ये कैसे होने चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलवेज मोर देन मतलब जो ओ OH ग्रुप के नंबर हैं वो हमेशा दो से ज़्यादा होना चाहिए ओ OH ग्रुप के नंबर जो है वो हमेशा कितना होना चाहिए दो से ज़्यादा होना चाहिए <coughs> इसलिए तब जाके हम इसको क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे ये कार्बोहाइड्रेट है मतलब अब ध्यान से समझना हमारे पास क्या होना चाहिए एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए ठीक है साथ साथ ओ एच ग्रुप के नंबर मोर देन टू होने चाहिए या फिर हमारे पास ग्रुप होना चाहिए साथ साथ ओ एच ग्रुप के नंबर दो से ज़्यादा होने चाहिए तभी हम इसको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एसिटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ठीक है <coughs> <coughs> अब बताइए आपको कार्बोहाइड्रेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ में आ गया सभी को एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करिए सभी को कार्बोहाइड्रेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ में आ गया कि हमने क्या कहा पॉलीहाइड्रोक्सी एसिटोन या एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होना चाहिए किटोन होना चाहिए ठीक है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के नंबर दो से ज्यादा होने चाहिए तभी हम इसको क्या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं बताइए जल्दी से डन है एक डिफिनीशन आपको समझ में आ गया ये आगे चल सकते हैं भाई आगे चल सकते हैं अब हम एक्सेप्शन हमने आपको बता दिए ठीक है ओके, okay. एक्सेप्शंस बता दिए हैं अब आते हैं हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट carbohydrate का क्लासिफिकेशन देखो कार्बोहाइड्रेट को हम और क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड्स के नाम से भी जानते किसके नाम से जानते हैं सेकेराइड्स के नाम से जानते अब देख ले कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जरा ध्यान से देखना यहां पे हमने लिखा इसको हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं पहला क्या है पहला दैट इज मोनोसेकेराइड्स क्या है भाई मोनोसेकेराइड्स फर्स्ट इज द मोनोसेकेराइड्स सेकेंड क्या है सेकेंड इज द ऑलिगोसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड्स ऑलिगोसेकेराइड्स और थर्ड क्या है पॉलीसेकेराइड्स थर्ड क्या है पॉली सेकेराइड्स देखिए अभी एम पी वर्ग वन मेन्स में आया था आपके एपी मर से क्वेश्चन एपी मर से क्वेश्चन आया था इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है चाहे छोटी सी छोटी चीज़ हो बड़ी से बड़ी चीज़ हो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है मोनोसेकराइड ऑलिगोसेकराइड और पॉलीसेक्राइड अब देखिए मोनोसेक्राइड हम किसे कहेंगे मोनोसेक्राइड का मतलब शुगर्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड ऐसे शुगर जिनको फर्दर हाइड्रोलाइसिस ना किया जा सके जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस ना किया जा सके हाइड्रोलिसिस ना किया जा सके का मतलब इसको वॉटर दे के तोड़ा ना जा सके ठीक है जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है सुक्रोज होता है आप कहते हो सुक्रोज तो अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है ठीक है तो सुक्रोज एक डाइसेकर है सुक्रोज एक डाई है और डाइसेक्राइड है तो इसकी हाइड्रोलिसिस की जा सकती है इसको हाइड्रोलाइज करके तोड़ा जा सकता है तो ये डाइसेक्राइड है लेकिन मोनोसेक्राइड ऐसे शुगर होते हैं जिनको फर्दर वाटर देके तोड़ा ही नहीं जा सकता सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं ये तो मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज हाइड्रोलाइज का मतलब इसको वाटर देके आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते ठीक है नेक्स्ट आते हैं ध्यान से देखते हैं अब आते हैं नेक्स्ट ध्यान से देखना ऑलिगोसेकर में क्या आते हैं कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसेक्राइड टू मोनोसेकर मोनोसेक्राइड्स, दो मोनोसेक्राइड से लेके दस मोनोसेक्राइड तक अगर है तो इसको हम कहते हैं, ठीक है और पॉलीसेक्राइड में कंसिस्ट ऑफ मोर देन टेन मोनोसेक्राइड्स, मोर देन टेन मोनोसेक्राइड्स। दस मोनोसेक्राइड से ज्यादा है तो इसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं दस मोनोसेक्राइड से ज्यादा है तो इसको हम क्या कहते हैं पॉलीसेक्राइड के नाम से जानते हैं। जल्दी से बताइए सभी को इतनी बात समझ में आ गई है फटाफट बताने की कोशिश करिए इतनी बात सभी को समझ में आ गई है ओके वेरी गुड आगे चल सकते हैं एकदम ध्यान से समझना सारी चीजें मोनोसेक्राइड ऑलिगोसेकराइड और पॉलीसेक्राइड हाँ तो जैसे सीधी सी बात है दो मोनोसेक्राइड है तो डाइसेक्राइड हो जाएगा इसी में आ जाएगा आपका भाई डाइसेक्राइड आ जाएगा ठीक है डाइसेक्राइड्स आ जाएंगे ड्राई आ जाएंगे आगे बताएंगे भी आपको ड्राई ठीक है टेट्रासेकराइड्स पेंटा सेक्राइड ये सब इसमें आ जाएंगे ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम ध्यान देते हैं किस पे मोनोसेकेराइड सबसे पहले हम लोग चलते हैं पे मोनोसेकेराइड की अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड <coughs> की बात करें तो अभी हमने आपसे बताया था दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर ये शुगर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है अभी हमने इसके बारे में बात किया था इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी फर्दर फर्दर हाइड्रोलाइज इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है ना इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता अब ध्यान से समझना इसके एग्जाम्पल्स क्या है मोनोसेक्राइड शुरू कहां से होता है इसके एग्जाम्पल्स क्या है और ये कहां से शुरू होते हैं इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना ठीक है ध्यान से देखना ये शुरू ही होता है सबसे सिंपल सबसे सिंपल शुगर ट्रायोजेज अब आप कहोगे कि मैम ट्रायोजेस से क्यों शुरू हुआ ये ये ट्रायोजेस से क्यों शुरू हुआ ट्रायोज सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है मोनोसेकेराइड है ट्रायोज सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड अच्छा एक बार यहां पे देख लीजिएगा ध्यान से हमने क्या लिखा है यहां पे हाँ दो या दो से ज्यादा होना चाहिए दो भी हो सकता है दो से ज्यादा होना चाहिए ठीक है ये जरूर लिख लीजिएगा दो या दो से ज्यादा होने चाहिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर ठीक है ट्रायोश शुरू होता है शुगर सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है शुगर सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है ये एक मोनोसेक्राइड है बहुत बार एग्जाम में आएगा आपसे कि सबसे सिंपलेस्ट शुगर क्या होता है तो आप याद रखना ट्रायोज शुगर सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है ठीक है और ट्रायोजिस की अगर हम बात करें तो अगर हम जो क्राइटेरिया हमारे पास था कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए वन टू वन तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायोज का मतलब नंबर ट्रायोज किसको दि, दिखा रहा है नंबर ऑफ कार्बन को किसको दिखा रहा है नंबर ऑफ कार्बन यहाँ तीन होगा नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा तीन होगा। तो अब देखिए इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री यही है ट्रायो शुगर का फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होगा सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री अब आप अपने दिमाग में एक बात याद रखना कि यहीं पे हमने एक्सेप्शन लिखा था यहीं पे हमने एक्सेप्शन लिखा था कि जो C3H6O3 है ये लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मूला होता है लैक्टिक एसिड लेकिन लैक्टिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसे था उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे था अब आप बताओ अब आप बताओ कि यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था ज़रा ध्यान से देखना ठीक क्या ये एल्डिहाइड है क्या ये एल्डिहाइड है कहीं आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है इसमें कहीं भी आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप नहीं दिख रहा है तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कहीं हमें कीटो ग्रुप दिख रहा है कहीं कीटो ग्रुप भी नहीं दिख रहा है तो नो एल्डिहाइड नो एल्डिहाइड आर कीटो ग्रुप कहीं हमें एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप नहीं दिख रहा है तो इट इज नो कार्बोहाइड्रेट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ठीक लेकिन अब हम देखते हैं ये ट्रायोज में कौन आते हैं ट्रायोज में कौन आते हैं, ट्रायोज कौन आते हैं? तो ट्रायोज में हम देखने की कोशिश करेंगे सबसे सिंपलेस्ट शुगर है देखिए ट्रायोज में आता है हमारा दो तो फॉर्म देखिए शुगर में शुगर में हमेशा दो फॉर्म प्रेजेंट होंगे एक एल्डोज फॉर्म और एक कीटोस फॉर्म तो ये ट्रायोज है तो ट्रायोज का भी एक एल्डोस फॉर्म होगा एल्डोज फॉर्म होगा ठीक है जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप होंगे और एक कीटोज फॉर्म होगा जहां पे कीटो ग्रुप होंगे तो एक एल्डोज फॉर्म होगा और एक कीटोज फॉर्म होगा तो देखते हैं एल्डोज फॉर्म में कौन आता है एल्डोज फॉर्म में आता हैल डिहाइड क्या आता है ग्लिसरल डिहाइड आता है ठीक है कौन आता है ग्लिसरल डिहाइड तो याद रखना ग्लिसरल डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट शुगर है वेरी वेरी आई एम पी ग्लिसरल डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट शुगर है और कीटोस फॉर्म में कौन आता है डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी तो वहाँ पे आएगा डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन इसलिए हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल बेस होता है तो इस ये दोनों <coughs> ये दोनों अगर बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं बस अंतर कहाँ है अंतर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में होगा जैसे ग्लिसरल डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो देखो सी एच ओ सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच अब देखो यहां एल्डिहाइड ग्रुप है ठीक है यहां एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरा तो दो या दो से ज्यादा ओ एच ग्रुप होना चाहिए तब हम इसको क्या कहेंगे शुगर कह लेंगे है ना डाई तो ये ग्लिसरल डिहाइड देखो एक दो तीन कार्बन दो तीन चार पाँच छः हाइड्रोजन एक दो तीन तीन ऑक्सीजन तो आ गया सी थ्री एस सिक्स ओ थ्री है ना लेकिन ये ग्लिसरल डिहाइड है क्योंकि यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ओ OH ग्रुप के नंबर दो या दो से ज्यादा होने चाहिए तो सबसे सिंपलेस्ट शुगर क्या है जल्दी से बताइए सबसे सिंपलेस्ट शुगर क्या है ग्लिसरल डिहाइड है फटाफट बताइए इतनी बात सभी को समझ में आ रही है सबसे सिंपलेस्ट शुगर क्या है डिहाइड है इतनी बात सभी को समझ आई क्या अब देखो सेम इसी का कीटो फॉर्म सेम इसी का कीटो फॉर्म में हमें क्या करना है ये एक एच एक एच ये देखो सेकेंड वाला एच एक एच एक एच ये दो एच को उठा के ऊपर रख दो तो दो एच को उठा के ऊपर रखा तो ऑलरेडी ये सीएचओ था तो अब सी एच टू ओ एच हो गया और ये देखो CO ग्रुप हो गया और नीचे भी CH2OH टू ओ एच था ही. अब देखो यही डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, डाई है, है. यही क्या है डाईहाइड्रोक्सी डाई एसीटोन है तो देखो ये भी आपका सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच और बीच में कीटो ग्रुप आपको दिख रहा है तो दो ओ एच हो गया है ना और बीच में कीटोग्रुप हो गया तो हो गया ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं आइसोमर हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं और जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं आप याद करिए <coughs> जब हम लोग ग्लाइकोलिस पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप आता है सॉरी जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में एक स्टेप आता है क्या आता है सभी को याद है क्या फ्रक्टोज वन सिक्स बीस फॉस्फेट आता है ठीक है और यहाँ पे हम एल्डोजेज लगाते हैं प्रकटोज का भी फॉर्मूला सी देखो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ और बीस फॉस्फेट का मतलब दो फॉस्फोरस है हाथ में ले लीजिए दो फॉस्फोरस जब हम यहाँ एल्डोज लगाते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है एक ग्लिसरल डिहाइड्री फॉस्फेट और एक मिलता है डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट क्यों क्योंकि इसको बांट दिया हमने तीन पार्ट दो पार्ट में ये हो गया एक सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री और एक फॉस्फेट और इधर भी हो गया एक सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री और एक फॉस्फेट बनाते हैं ना तो देखिए और इन दोनों के बीच में हम जो एंजाइम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं ट्रायोज आइसोमरेज लगाते हैं कि नहीं क्योंकि ये ट्रायो शुगर हैं और एक दूसरे के आइसोमर हैं क्योंकि ये ट्रायो शुगर हैं और एक दूसरे के क्या हैं आइसोमर हैं है ना तो ये ग्लिसरल डिहाइड है हालांकि एक फॉस्फेट लग गया ये डाइहाइड्रॉक्सी है और एक फॉस्फेट यहाँ लग गया इन दोनों के बीच में जो हम एंजाइम लगाते, है। लगाते हैं वो ट्रायोज आइसोमरेज लगाते हैं क्योंकि ये दोनों ही ट्रायोज शुगर हैं अंतर क्या है दोनों में एक एल्डो शुगर है एक एल्डोज शुगर है और एक क्या है कीटो शुगर है बताइए तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है ट्रायोज दिस इज द सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट शुगर सबसे सिंपलेस्ट शुगर क्या होगा ट्रायोज होगा एम आई डन विद दिस जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए यहां तक सबको क्लियर है क्या यहां तक सबको क्लियर है ओके वेरी गुड अब आगे चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं देखिए जरा ध्यान से अब हम लोग चलते हैं सेकेंड अभी मोनोसेक्राइड ही चल रहा है मोनोसेक्राइड में सेकेंड क्या है टेट्रोजिस टेट्रोजिस अब ये टेट्रोजेस का मतलब क्या हुआ टेट्रोजेस का मतलब नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन यहां पे फोर हो जाएंगे तो इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं सी फोर एच एट ओ फोर लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा वन टू वन होगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा वन टू वन होगा ठीक है अब टेट्रोज में भी दो फॉर्म होंगे टेट्रोज में भी दो फॉर्म होंगे एक एल्डोज फॉर्म होगा एक किसका? एल्डोज फॉर्म होगा और एक इसका कीटोज फॉर्म होगा एल्डोज फॉर्म का मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा है ना? एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोस फॉर्म का मतलब यहाँ पे कीटो ग्रुप होगा क्या होगा कीटो ग्रुप होगा ठीक जल्दी से बताइए इतनी बात समझ में आ रही है अब इसका हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं एरेथ्रोज नाम सुना है आप लोगों ने एरेथ्रोज जो इरेथ्रोज है वो एल्डिहाइड शुगर है एल्डोज फॉर्म है और इसी का कीटोज फॉर्म इरिथ्रोलोज एरिथ्रू लोज हो गया तो अगर आपसे कोई पूछे इरिथ्रोज और एरिथ्रूलोज में अंतर क्या है दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर हैं बस ये एल्डो शुगर है और ये कीटो शुगर है और हम दोनों बना लेंगे हम दोनों बना लेंगे क्या बनाएंगे क्या मीरा देवी यहाँ कुछ मुजरा हो रहा है क्या हाँ पढ़ाई हो रही है या फिर क्या हो रहा है पढ़ना है या ब्लॉक किया जाए आपको बताइए चलिए इरिथ्रोज अब देखिए इरिथ्रोज को हम बनाने के लिए ऊपर हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिख दिया ठीक है नीचे हमने सी ओ एच सी एच ओ एच और सबसे नीचे हमने सी एच टू ओ एच लिख दिया बस देखो पढ़ा दिया हमने इसमें ये हमारा इरिथ्रोज हो गया ये देखो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है ठीक है और सी एच ओ एच सी एच ओ एच और सबसे नीचे सी एच टू ओ एच हो गया ये बन गया हमारा इथ्रोज यहाँ पे जैसे हमने क्या किया अब आपको करना क्या है ये कॉमन एल्डिहाइड कॉमन सी एच टू ओ एच कॉमन रहेगा बीच में बस सी एच ओ एच सी एच ओ सी एच ओ बढ़ाना है यहाँ पे एक ही सी एच ओ ना देखो ऊपर एल्डिहाइड कॉमन रहेगा और नीचे सी एच टू ओ एच कॉमन रहेगा प्राइमरी एल्कोहल अब बीच में यहाँ एक ही सी एच ओ था जब ट्रायो शुगर था टेट्रोज है तो बीच में हम एक और सी एच ओ बढ़ा देंगे बस ये हमारा टेट्रोज हो गया ठीक हाँ आज पब्लिक क्लास है तो हमारा ये क्या हो गया हम्म ये हमारा क्या हो गया अब इसी को अगर हमें क्या बनाना है कीटोज फॉर्म बनाना है तो हम क्या करेंगे इसी को अगर हमें कीटोज फॉर्म बनाना है तो यहां का दो एच उठा के बस ऊपर लगा देना है जैसे हमने उसमें किया था आप देखो हम आपको सिंपल सा तरीका बता रहे हैं यहाँ का दो एच एक ये एक ये उठा के हमने ऊपर लगा दिया था तो ऊपर भी सी एच ओ एच हो गया था और नीचे कीटो ग्रुप हो गया था तो बस हमने दूसरे वाले कार्बन का क्या करना है ये दोनों एच उठा के ऊपर लगा देना है तो ऊपर सी एच टू ओ एच हो जाएगा सेकेंड वाला देखो कीटो ग्रुप हो गया थर्ड वाला जस का तस रहा और लास्ट में भी सी एच टू ओ एच ये बन गया हमारा इरिथ्रोलोज तो ये क्या है टेट्रो शुगर है क्या है टेट्रो शुगर है जल्दी से बताइए किसी को यहां तक कोई दिक्कत है किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं तो ये सेकेंड सिंपलेस्ट शुगर हुआ फर्स्ट सिंपलेस्ट शुगर हमने अभी बनाया था वो क्या था दैट इज वॉट द ग्लिस था और ये टेट्रोज है ये क्या है ठीक है ओके <coughs> okay. अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट समझते हैं जो अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है पेंटो शुगर वेरी वेरी आई एम पी पेंटो शुगर ये हमारा वेरी वेरी आईएमपी ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखना पेंटो शुगर में जो नंबर ऑफ कार्बन है भाई वो कितना होगा? तो number of carbon होगा हमारे पास. कितना होगा 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 तो हमारे पास सबको पता है पांच होगा तो हम इस तरीके से C5H10O5 मान के चलेंगे एक मोलिकुलर फॉर्मूला मान के चलेंगे सी फाइव एच टेन ओ फाइव क्या मान के चलेंगे सी फाइव एच टेन ओ फाइव मान के चलेंगे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अब इसके पास इसका भी दो फॉर्म होगा क्या होगा एक एल्डोस फॉर्म एल्डोस फॉर्म और एक क्या होगा कीटोस फॉर्म होगा एक एल्डोस फॉर्म होगा और एक कीटोस फॉर्म होगा अब देखना एल्डोज फॉर्म में हमारे पास क्या आता है राइबोज आता है सबसे पहला राइबोज और राइबोज शुगर कहाँ पाया जाता है आरएनए में इसमें पाया जाता है आरएनए में ठीक है और इसी का इसी का अगर हम कीटो वर्जन लिखना चाहें तो ये राइब्यूलोज हो जाता है क्या हो जाता है राइब्यूलोज राइब्यूलोज हो जाता है ठीक है इसी का कीटोस फॉर्म क्या हो जाता है राइब्यूलोज दूसरा अगर हम लिखना चाहें ठीक है तो डी ऑक्सीराइबोज डी ऑक्सी राइबोज डी शुगर कहाँ पाया जाता है डीएनए में तो आरएनए और डीएनए में हमारे पास पेंटोज शुगर पाए जाते हैं लेकिन ये एक एक्सेप्शन है ये एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या है देखते हैं इसका डिओक्सी राइबोस का फॉर्मूला सी फाइव एच टेन ओ फोर होता है क्या होता है सी फाइव एच टेन ओ फोर होता है मतलब कुल मिला के ये कार्बोहाइड्रेट का जो वन टू वन वाला रेशियो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है ये कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट का वन टू वन वाला रेशो फुलफिल नहीं कर पा रहा है और इसका कोई भी कीटो वर्जन नहीं है ठीक है इसका कोई भी कीटो वर्जन नहीं है अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना ध्यान से समझने की कोशिश करना पहले इतना बताइए आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें कुछ डिफिकल्टी फेस तो नहीं करनी पड़ रही है ना <coughs> कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ रही है ठीक है अब एक चीज और लिख लेना एक एग्जाम्पल और लिखना है भाई हमें एक एग्जाम्पल हमें यहां और लिखना है अभी हम इसको बता रहे हैं तीसरा एग्जाम्पल इसका है जाइलोज 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 एक एल्डोज फॉर्म है और इसका कीटो वर्जन क्या है जायल्यूलोज जायल्यूलोस अब आई होप आप लोग इसको बना लेंगे राइबोस बना लेंगे ठीक है डिओक्सी राइबोस भी बना लेंगे हम लोग आगे अभी न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो ठीक और तीसरा क्या है तो वन ये है दो ये है तीन ये है आपसे पूछा जा सकता है कि जाइलोज क्या है जाइलोस क्या है <coughs> जाइलोस क्या है तो जाइलोज भी एक पेंटोज शुगर है और एक एक्सेप्शन डिओक्सी राइबोस का आया डिओक्सी राइबोस का एक एक्सेप्शन आया है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है क्या है यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है अब अगर हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाएंगे ध्यान से देखना राइबोस का अगर आप स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मुझे पता है कि आप लोग बना लेंगे क्या करना है हमने कहा था कि सी एच ओ एकदम ऊपर रहने दीजिए और नीचे सी एच टू ओ एच रहने दीजिए ठीक है और बीच में बस आपको क्या करना है पांच कार्बन लेना है तो बीच में तीन जगह सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच लगा देना बस ये हमने राइबोस का फार्मूला बना दिया बताइए राइबोस राइबोस का हमने स्ट्रेट चेन फार्मूला बना लिया है कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना अगर इसी का हमें आपको कीटो फॉर्म बनाना है मतलब राइब्यूलोज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा तो ये दो हाइड्रोजन को उठा के ऊपर कर देना है तो ऊपर भी सी एच टू ओ एच हो जाएगा और सेकेंड वाला कीटो ग्रुप हो जाएगा यहाँ ऑक्सीजन बचेगा थर्ड वाला सी एच ओ एच रहेगा फोर्थ वाला सी एच ओ एच रहेगा और फिफ्थ वाला सी एच टू ओ एच रहेगा तो ये क्या हो गया ये हमारा राइबोज हो गया और ये हमारा क्या हो गया ये हमारा रोलोज़ हो गया ये राइबोज हो गया और ये हमारा रेब्योलोज हो गया ये एल्डोस फॉर्म है एल्डोज फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोस फॉर्म है क्योंकि यहां पे कीटो ग्रुप क्योंकि यहाँ पे क्या है कीटो ग्रुप है इतना तो बना लेंगे ना सभी लोग <coughs> <coughs> इतना बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे बताइए जल्दी से हाँ वेरी गुड गोलू आगे चलते हैं भाई बस आप बताइए इतना कर लेंगे ना इतना तो कर लेंगे अब हम राइबोज और डिऑक्सी राइबोज में थोड़ा सा आपको अंतर बताएंगे राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में अंतर बताएंगे तो आते हैं हम लोग दूसरा देखिए अब अगर इसी राइबोज का रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बनाना हो हमें क्या बनाना हो रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बनाना हो जो हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाया था उसी का अगर हमें रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बनाना हो किसका राइबोस का राइबोस जो कि कहाँ पाया जाता है आर एन ए में और राइबोस का फॉर्मूला है सी फाइव एच टेन ओ फाइव ठीक और किसका डी ऑक्सी राइबोस का डी ऑक्सी राइबोस का ऑक्सीराइबोस जो कि डी में पाया जाता है और इसका फार्मूला है सी फाइव एच टेन ओ फोर एक ऑक्सीजन कम है यहां क्या है एक ऑक्सीजन यहां पे कम है तो हम देखिए बनाते हैं ये इसको ध्यान से देखना ठीक है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना ये हमारे पास ये पहला कार्बन <coughs> ये पहला कार्बन एच ओ एच एच ओ एच ठीक है ओ एच एच सी एच टू ओ एच अब आप जरा गिनना है इसको तो कार्बन देखो कितना है ये फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन ये थर्ड कार्बन ये फोर्थ कार्बन और ये फाइव कार्बन है ठीक है तो कार्बन पांच हो गया ऑक्सीजन गिनना एक दो तीन चार पांच ठीक है हाइड्रोजन गिनना तीन थी, तीन थी, ठीक है चार पाँच छ सात आठ नौ दस ठीक <laughs> हो गया ये हो गया ये, इसका रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर कार्बन नंबर वन ओके टू थ्री और यहाँ फोर कार्बन और ये फाइव कार्बन पांचवा कार्बन रिंग से बाहर है पांचवा कार्बन कहाँ है रिंग से बाहर है तो ये राइबोज का रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम दोनों में डिफरेंस क्या है मैम बता रहे हैं भाई आई एम जी डी आफ्टर खान सर जिन टीचर ने दिल दिमाग जीता है वो है अंजुम अरे बाप रे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आपको आपने इतना आ, कहा हमारे लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आप लोगों का प्यार रेस्पेक्ट सम्मान ये आ, एक टीचर की सबसे बड़ी कमाई होती है पैसे से बढ़ के ठीक है स्टूडेंट का प्यार उनका सम्मान टीचर के लिए ना और मेरे लिए तो खास करें मेरे लिए पैसा तो सब कमाते हैं मुझे भी पैसे की ज़रूरत है पैसे के लिए भी काम कर रहे हैं लेकिन ये जो इज्जत होती है इज्जत कमाना स्टूडेंट का प्यार कमाना वो बहुत बड़ी बात होती और थैंक यू सो मच आपको आपने इतनी बड़ी उपाधि दी हमें ठीक है अब हम आते हैं डि राइबोज की बात करते हैं डिऑक्सी राइबोज में अंतर क्या है बस एक जगह ये सवाल आपसे पूछा भी जाता है ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि देखिए ये है हमारे पास ये ये हमारे पास है ध्यान से देखना बस और बस एक अंतर है क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी है तो बस एक अंतर है पहले कार्बन पे ये सेम रहेगा दूसरे कार्बन पे ओ एच की जगह एच रहेगा बस दूसरे कार्बन पे ओ एच की जगह एच रहेगा एक ओ यहां से हटा दिया बाकी सब सेम रहेगा ठीक है बाकी सब क्या रहेगा सेम रहेगा बाकी सब सेम रहेगा तो डिफरेंस बिटवीन जल्दी से बताइए डिफरेंस बिटवीन अगर हम डिफरेंस की बात करें डिफरेंस <coughs> बिटवीन अगर हम डिफरेंस की बात करें किसमें राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबो शुगर राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबो शुगर तो वो कहां पे है भाई ज एट कार्बन नंबर सेकेंड दिस इज वेरी वेरी आई एम पी वेरी वेरी आई एम पी नोट कर लेना पूछा जाता है और अगर कार्बन नंबर नंबर सेकेंड जो कार्बन नंबर सेकेंड है कार्बन नंबर सेकेंड पे बिलो द प्लेन ओ एच है तब तो ये राइबोज होगा है ना राइबोज होगा और अगर एच है डिऑक्सी राइबोस होगा क्या होगा डिओक्सी राइबोज होगा डिओक्सी राइबोज होगा ठीक है डिओक्सी राइबोज होगा ये आप एकदम अच्छे से समझ जाना और यही रीजन है यही रीजन आपसे अब कोई पूछा कि बताइए किसमें आरएनए और डीएनए या राइबोज और डिओक्सी राइबोज में किस कार्बन पर डिफरेंस है तो कार्बन नंबर सेकंड पे कार्बन नंबर सेकेंड पे अगर बिलो द प्लेन ओ एच है तो राइबोज है और अगर कार्बन नंबर सेकेंड पे बिलो द प्लेन एच है तो डी राइबोज है क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ कम हो गया और यही रीजन है मेरी बात को ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से सुनना आपको आ, आगे अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे जब इस इस शुगर इस से जब आरएनए बनेगा तो ये ओएच OH भी बॉन्ड में चला जाएगा ये ओ एच भी बॉन्ड में चला जाएगा ये ओ एच भी बॉन्ड में चला जाएगा केवल यही ओ एच बच जाता है केवल यही ओ एच बच जाता है आर एन ए में मेरी बात को ध्यान समझना जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं जब न्यूक्लिक एसिड बनेगा इससे आर एन ए बनेगा तो ये ओ एच बॉन्ड में चला जाएगा ये ओ एच बॉन्ड में चला जाएगा ये ओ एच बॉन्ड में चला जाएगा बस ये ओ एच फ्री रह जाएगा और इसी ओ OH, एच इसी ओ OH एच की वजह से आर एन हाईली रिएक्टिव होता है भाई ओ एच ग्रुप फ्री है तो ये हाईली रिएक्टिव होगा और हाईली रिएक्टिव होगा तो आर लेस स्टेबल होगा आर लेस स्टेबल होगा आर के हाईली रिएक्टिव होने की वजह यही है कि इसका एक ओ एच फ्री है जबकि डी में ऐसा कुछ नहीं है डी में ये ओ एच बॉन्ड में चला जाएगा ये ओ एच बॉन्ड में चला जाएगा ओ एच बॉन्ड में चला जाएगा और यहाँ ओ OH एच है नहीं यहाँ ओ OH एच है नहीं इसलिए तो पहले आर एन ए था जब नेचर जब ओरिजिन ऑफ लाइफ बनी थी तो पहले आर एन ए था आर एन ए से डी एन ए बना था आर एन ए से डी एन ए बना क्योंकि आर एन ए ज्यादा रिएक्टिव था क्योंकि इसका एक ओ OH एच फ्री घूम रहा था तो आर एन ए ज्यादा रिएक्टिव था लेस स्टेबल इसी वजह से था तो ये बेस्ट जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर पा रहा था इसलिए फिर आर से इसके सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ओ हटा के डीएनए बनाया गया ठीक है थीक क्योंकि डीएनए में कोई ओ फ्री ना रह जाए और वो रिएक्शन ना करे ठीक है वो रिएक्शन ना करे <coughs> आपको समझ में आ गया आरएनए लेस स्टेबल क्यों है ड्यू टू तो दिस फ्री सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ड्यू टू तो दिस फ्री सेकेंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप समझ आ गई है सभी को यह बात जल्दी से बताइए समझ आ गई है सभी को यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ओके वेरी गुड अरे ठीक है वर्षा अभी वो आएगा आप परेशान मत हुई बीटा फॉर्म चलो अब हमारे पास पेंटोस शुगर तक हो गया है ना तो टेट्रोस पेंटोज हो गया और नंबर फोर अब हम क्या देखेंगे नंबर फोर हम देखेंगे हेक्सोस शुगर ये भी आप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हेक्सो शुगर अब हेक्सोस से हमारे पास एक नाम नंबर ऑफ कार्बन डिनोट करता है ये कितना है छ है नंबर ऑफ कार्बन छः है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स होगा क्या होगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स होगा अब इसके भी दो फॉर्म होंगे भाई इसके भी दो फॉर्म होंगे क्या एक एल्डोज शुगर या एल्डोज फॉर्म है ना? और एक क्या होगा एक होगा कीटोज फॉर्म। एक होगा कीटोज फॉर्म एक होगा एल्डोज फॉर्म और एक होगा कीटोज फॉर्म एल्डोज फॉर्म में क्या क्या आता है देखिए एल्डोज फॉर्म में आता है ग्लूकोज ठीक है और ग्लूकोज का कीटो वर्जन फ्रक्टोज होता है भाई अगर आपसे कोई पूछे अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अंतर क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बस एक अंतर है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज में क्या है कीटो ग्रुप है ठीक है उसके बाद आता है क्या गैलेक्टोज गैलेक्टोज कीटो वर्जन इसका सॉरी एल्डिहाइड वर्जन है कीटो नहीं है ठीक है इसके बाद आता है मैनोज मैनोज एल्डिहाइड वर्जन है इसका कीटो वर्जन नहीं है इसके बाद आता है रेमनोज अब रेमनोज भी एक्सेप्शन है रेमनोज भी एक्सेप्शन है कुछ बैक्टीरिया वगैरह में और डायटम्स वगैरह में पाया जाता है ये डायटम्स में बैसिलरियोफाइसी में पाया जाता है एक्सेप्शन क्यों है क्योंकि इसका फॉर्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ फाइव है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ फाइव है फिर भी ये शुगर है फिर भी ये शुगर है एक्सेप्शन है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ फाइव है बाकी सब का क्या है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है ये जो बाकी चार हैं ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज और फ्रक्टोज इन सब का जो फार्मूला है वो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है लेकिन रेमोनोज का जो फार्मूला है ये कुछ बैसलियो कहाँ पाए जाते हैं इन फाउंड इन बरियरियो फाइसी बेसिलेरियोफाइसी मतलब डायटम्स में पाए जाते हैं ये शुगर हमें डायटम्स में देखने को मिलते हैं ठीक <coughs> <coughs> है नहीं नहीं फ्लोएम में जो विश्व पराज आप फ्लोएम में बता रहे हैं वो दूसरा कुछ है आगे चलने दीजिए बताते हैं अरे अभी शिवम मिश्रा अभी तो न्यू बैच चल रहा है ये ये अभी तो दो तीन दिन हुआ है अभी तो ये न्यू बैच है हाँ अब अगर हम बात करें ग्लूकोज गैलेक्टोज और मैनोज की पहले हम ग्लूकोज ही लिख ले रहे हैं ठीक है ग्लूकोज लिख ले रहे हैं और फ्रक्टोज लिख ले रहे हैं यहां पे। चलो देखते हैं। तो ग्लू और याद रखना कि फ्रक्टोज नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी नॉट सिंथेसाइज या आप ऐसे लिखिए फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है ओनली फाउंडिन ओनली फाउंडिन केवल और केवल सीमेन में पाया जाता है ये और सेमिनल वेसिकिल सेमिनल वेसिकिल इसको रिलीज करते और ये बॉडी में कहीं भी नहीं पाया जाता दिस इज वेरी वेरी आई एम पी प्रोज हमारी बॉडी में सीमेन मतलब फीमेल बॉडी में तो वैसे भी नहीं मिलेगा ये मेल के सीमेन में पाया जाता है फ्रक्टोज बाकी बॉडी में और कहीं नहीं मिलता ठीक है <coughs> चलिए ठीक है कोई बात नहीं बॉडी में कहीं और नहीं मिलता ठीक है समझ में आ रहा है तो इसलिए फ्रक्टोज टेस्ट कराए जाते हैं टेस्ट कराए जाते हैं रेप केसेस के दौरान रेप केसेस के दौरान फ्रक्टोज टेस्ट कराए जाते हैं अगर फीमेल के जेनाइटल पार्ट में सीमन रिलीज हुआ होगा तो वहां पे फ्रक्टोज मिलेगा फ्रक्टोज़ टेस्ट कराए जाते हैं अगर फ्रक्टोज कन्फर्म हो गया That means कि यहाँ पे सीमेंट डिपॉजिट हुआ है तो इसलिए रेप केसेस के दौरान फ्रक्टोज टेस्ट कराए जाते हैं क्योंकि फ्रक्टोज बॉडी में और कहीं नहीं मिलता कहाँ मिलता है केवल और केवल ये में पाया जाता है अब देखिए अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना दें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो देखिए ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है तो यहाँ पे हमने सी एच ओ लिख दिया देखो सी ओ एच एच उसको जैसे हम अब थोड़ा सा आ, इसका हम क्या करते हैं ओ एच और एच की पोजीशन चेंज कर रहे हैं फिर उसके बाद तीसरे कार्बन पे ओ एच इधर होगा ठीक है और एच इधर होगा चौथे कार्बन पे सी ओ ओ एच एच कार्बन पे सी ओ ओ एच एच और छठे कार्बन पे सी एच टू ओ एच ये है ग्लूकोज हमने सीएचओएस सी एच को दूसरे तरीके से लिख दिया पोजीशन इसकी चेंज कर दी ठीक है पोजीशन इसकी चेंज कर दी ठीक है है हाँ. अब यहाँ पे क्या ध्यान से समझना ये ओ OH एच इधर है याद रखना एच इधर फिर OH इधर एच इधर ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है तो ये ग्लूकोज है ये क्या है ग्लूकोज है अब इस ग्लूकोज से अगर हमें फ्रक्टोज बनाना हो ये तो हमारे पास क्या है ये ग्लूकोज है चलो हम लिख दिए फ्रक्टोज बनाना है तो बताइए क्या करना होगा ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज क्या है एक कीटो शुगर है तो फ्रक्टोज बनाने के लिए बस यही दो एच हमें उठा के ऊपर कर देना है तो हमने यहाँ सी एच टू ओ एच हो गया और बीच में सी ओ हो गया बाकी सब सेम है बाकी सब क्या है सेम है बाकी सब क्या है सेम है और ये बन गया फ्रक्टोज तो अब आप हमें बताओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक ही अंतर है ग्लूकोज एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज कीटो शुगर है ग्लूकोज एल्डोज शुगर है फ्रक्टोज कीटो शुगर है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए ग्लूकोज <ख़़ाँ> क्या है एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोस क्या है कीटोस शुगर ठीक बताइए इतनी बात समझ में आ रही है तो लगभग 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 हम लोग हेग्जोस शुगर तक ये जो मोनोसैक्राइड एक एक और होता है चलिए देखिए मेरी बात ध्यान से समझना ये जो मोनोसेक्राइड हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड में मोनोसेक्राइड में हमारे पास सबसे पहले क्या है हमारे पास सबसे पहले ट्रायोज है जिसमें ग्लिसरल डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन है फिर इसके बाद हमारे पास क्या है टेट्रोज है जिसमें एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज है दोनों ये एल्डोज फॉर्म ये कीटोज फॉर्म इसके बाद हमारे पास पेंटोज शुगर है जिसमें राइबोज डिओक्सीराइबोज और जाइलोज है है ना डिओक्सीराइबोज ये एक्सेप्शन है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ठीक है और इसका कीटोज फॉर्म राइब्यूलोज है और इसका कीटोज फॉर्म जाइल्यूलोज है ठीक और आ, राइबोज और डिओक्सी राइबोज में हमने आपको अंतर बता दिया कार्बन नंबर सेकेंड पर अंतर है कार्बन नंबर सेकेंड पे अगर ओ एच है तो ये राइबोज है और कार्बन नंबर सेकेंड पे अगर एच है तो ये क्या है डिऑक्सी राइबोज है इतनी बात सभी को समझ आ रही है अब हमने देखा हेग्जो शुगर में हमारे पास कौन है ग्लूकोज गैलेक्टोज और मैनोज ग्लूकोज गैलेक्टोज और मैनोज़ है और रेमनोज़ भी है ठीक है रेमनोज़ भी है ग्लूकोज का ही हमारे पास है जो कीटोज फॉर्म वो फ्रक्टोज है एक लास्ट है एक लास्ट है इसमें हम आपको बता दें नंबर सिक्स जो अरे नंबर फाइव जो है वो है हेप्टो शुगर हेप्टोज़ शुगर या हेप्टोज़ेस जैसे वो पेंटोजिस था हेक्जोजिस था हेप्टोजिस एक कार्बन नंबर यहाँ पे सात होगा तो हम कह सकते हैं सी सेवन एच फोर्टीन ओ सेवन होगा इसका अभी बस एक ही एग्जाम्पल नॉन है वो है कीटोफॉर्म कीटो फॉर्म और इसका नाम है सीडो सीडोहेप्टोलोज ठीक है सीडोहेप्टोलोज और यही सबसे कॉम्प्लेक्स मोनोसेकेराइड है यही सबसे कॉम्प्लेक्स मोनोसेकेराइड है यही सबसे कॉम्प्लेक्स मोनोसेकेराइड तो पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज ठीक <coughs> ओके okay. इतनी बात सभी को समझ में आ रही है अब हम मोनो सेक्राइड, मोनो सेक्राइड हमने खत्म कर लिया है मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हमने खत्म कर लिए हैं बस हम अब मोनोसेक्राइड को ही आगे थोड़ा प्रोसीड कर रहे हैं अब आते हैं एक टर्म है ईपीमर्स क्या है ईपीमर्स चलिए हेडिंग डालिए इसी मोनोसेक्राइड को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम डाईसेक्राइट पे नहीं आए हैं डाई सेक्राइड और पॉलीसेक्राइट पे हम कल आएंगे आज हम मोनोसेक्राइड से रिलेटेड हर बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं एक हमारे पास है ईपी मर्स हेडिंग डालिए ईपी मर्स मैम फ्रक्टोस का एक बात बताए हाँ पूछिए गोपाल रुद्र ईपी मर्स ईपीमर्स में याद रखना शुगर्स शुगर्स विच आर डीफर्स फ्रॉम ईच अदर विच आर डीफर्स फ्रॉम ईच अदर एट वनली वन कार्बन एक्सेप्ट कार्बन नंबर वन ध्यान से देखिए क्या लिखा हमने शुगर्स विच आर डिफर्स फ्रॉम ईच अदर्स एट वनली वन कार्बन एक्सेप्ट कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर वन को छोड़ के अगर दो शुगर का आपस में डिफरेंस बस एक कार्बन पे होगा उसको हम ईपी मर कहते हैं ठीक है उसको हम क्या कहते हैं ईपी मर कहते हैं क्या बोला हमने दो शुगर को दो शुगर के बीच में डिफरेंस बस एक कार्बन पे हो एक्सेप्ट कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर वन को छोड़ दीजिए तो उसको हम क्या कहते हैं ईपी मर कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारे पास क्या है एक जगह है ग्लूकोज एक जगह है गैलेक्टोज ये तीनों हेग्जोस शुगर है ध्यान देना और एक जगह है मैनोज ओके ये तीनों हमारे पास क्या है हेग्जो शुगर और हेग्जोज में तीनों एल्डोज हैं तीनों एल्डोज हैं तीनों में एल्डिहाइड ग्रुप है पहले हम ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाते हैं आपको याद है ग्लूकोज का फॉर्मूला सबसे ऊपर हमने सी एच ओ लिखा और सेकेंड कार्बन में ओ OH इधर रहेगा और एच इधर रहेगा और थर्ड कार्बन में ओ OH इधर रहेगा और एच इधर रहेगा फिर फोर्थ में इधर रहेगा फिफ्थ में भी इधर रहेगा और सिक्स तो सी एच टू ओ एच है ही ये हमारा ग्लूकोज है ये क्या है ग्लूकोज है जरा ध्यान से समझना देखो यहीं से एमपी वर्ग में क्वेश्चन आया था हम हमेशा पढ़ाते हैं ये कार्बन नंबर वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ठीक अब आपको बता दें कि जो ग्लूकोज है और गैलेक्टोज अब भाई सबका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 है इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 है और इसका भी मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6 है लेकिन अंतर कहाँ है अंतर है बस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में अंतर है बस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है देखना जरा ध्यान से देखना जरा ध्यान से ये जो ग्लूकोज और मैनोज है ये दोनों आपस में डीफर एट कार्बन नंबर टू डीफर <coughs> एट कार्बन नंबर टू इन दोनों में डिफरेंस बस कार्बन नंबर टू पे है और ये दोनों आपस में डीफर एट कार्बन नंबर फोर डीफर एट कार्बन नंबर फोर देखते हैं एक कार्बन पे डिफरेंस है तो अब मैनोज में कहा होगा क्या होगा सी एच कार्बन नंबर वन तो सेम रहेगा कार्बन नंबर टू पे बस डिफरेंस आ जाएगा तो यहां पे ओ एच यहाँ है तो यहां ओ एच बस यहां कर दो और बाकी सब सेम कर दो बाकी सब सेम कर दो क्योंकि एक ही कार्बन पे डिफरेंस आना, आना चाहिए आना एक से ज्यादा कार्बन पे डिफरेंस नहीं आना चाहिए एक से ज्यादा कार्बन पे डिफरेंस नहीं आना चाहिए तो देखो ये कार्बन नंबर वन है ये कार्बन नंबर वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स तो बस और बस कार्बन नंबर सेकंड पे दोनों में डिफरेंस है बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है इसलिए मैनोज़ और ग्लूकोज एक दूसरे के ई मर हैं क्या हैं मैनोज और ग्लूकोज एक दूसरे के ई मर है डिफरेंस किस पे है कार्बन नंबर सेकंड पे है डिफरेंस किस पे है कार्बन नंबर सेकंड पे है जल्दी से बताइए सेट में आया था वेरी गुड अब हम देखो गैलेक्टोज बता ही दिया है पहले आपको कि गैलेक्टोज क्या है गैलेक्टोज भी ग्लूकोज का ईपी मर है ठीक है कैसे क्या करना है आपको पता ही है क्या करना है हमें हमें यहाँ के पे करना यह है कि सब कुछ ग्लूकोज जैसा लिखना है बस कार्बन नंबर फोर पे डिफरेंस कर देना है सी एच ओ लिख दिया ठीक ये जैसे है वैसे ही लिखना है सेकेंड कार्बन तक भी सेम है थर्ड कार्बन तक भी सेम है बस अंतर हमें फोर्थ कार्बन पे करना है यहाँ ओ एच इधर है यहाँ ओ एच इधर लिख देंगे तो देखिए हमें यहाँ पे देखो बाकी फिफ्थ कार्बन भी सेम होगा फिफ्थ कार्बन सेम होगा और सिक्स तो सेम है ही तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास ये फोर्थ कार्बन है ना ये कौन सा कार्बन है फोर्थ कार्बन फोर्थ कार्बन और फोर्थ कार्बन ये फोर्थ कार्बन है इसी पे डिफरेंस है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी एक दूसरे के क्या हैं? ईपी e. पी मर हैं ईपी e. मर्स हैं। और डिफरेंस कार्बन नंबर फोर पे डिफरेंस कार्बन नंबर सेकेंड पे बस एक कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए बस एक कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए इसको हम क्या कहते हैं ईपी e. मर कहते हैं बस और बस एक कार्बन पर डिफरेंस होना चाहिए इसको हम क्या कहते हैं ईपी मर कहते हैं जल्दी से बताइए अब आप मुझे बताना कि ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के ईपी मर हैं और ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपी मर हैं है। क्या मैनोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के ईपी मर हो सकते हैं क्या मैनोज क्या मैनोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के ईपी हो सकते हैं जल्दी से बताइए इसको देख के और इसको देख के बताइए क्या ये एक दूसरे के ईपी हो सकते हैं <coughs> हो सकते हैं श्रद्धा मिश्रा नो no. श्रद्धा मिश्रा ने बोला नो क्यों व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वेरी गुड इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ देखो पहला कार्बन ये मतलब ये दूसरे कार्बन पे भी डिफरेंस है देखो ये दूसरे कार्बन पे भी डिफरेंस है देखो और यहां यहाँ यहाँ चौथे कार्बन पे भी डिफरेंस है दूसरे कार्बन पे भी डिफरेंस है हम लिख रहे हैं यहाँ दूसरे चौथे दोनों पे डिफरेंस दो जगह डिफरेंस हो गया यहाँ दो जगह डिफरेंस हमने कहा ओनली वन कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए हाँ दो कार्बन पे डिफरेंस हो गया ईपीमर होने के लिए केवल एक कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए सो मैनोज एंड गैलेक्टोज आर नॉट ईपी मर्स ऑफ ईच अदर ये दोनों एक दूसरे के ईपी मर्स नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते क्योंकि यहां पे दो कार्बन पे डिफरेंस हो गया यहाँ पे दो कार्बन पे डिफरेंस हो गया डिफरेंस केवल एक ही कार्बन पे होना चाहिए यस वेरी गुड आर यू गेटिंग ईच एंड एवरी थिंग क्लियरली जल्दी बताइए सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आ रहा है सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आ रहा है तो अब हम ईपी मर की कहानी से आगे बढ़े ईपी मर की कहानी से आगे बढ़ते हैं याद रखना कैसे याद रखेंगे मैनोज मैनोज में दो एन आ रहा है तो अगर ना याद हो किसी भी तरीके से तो ऐसे याद रखना ग्लूकोज मैनोज मैनोज में दो एन आ रहा है दो मतलब कार्बन सेकेंड पे डिफरेंस है और गैलेक्टोज में कार्बन फोर पे डिफरेंस है ठीक चलिए अब हम दूसरी कहानी चलते हैं एनोमर्स किस पे आते हैं एनोमर्स मैम एक बार और समझाइए दुर्गेश कुमार बिल्कुल समझाएंगे बिल्कुल समझाएंगे देखिए हमने कहा कि ऐसे कार्बन जो आपस में ऐसे शुगर जो आपस में केवल एक कार्बन पे डिफर करते हो इनको हम क्या कहते हैं इनको हम लोग ईपी मर के नाम से जानते हैं ठीक है ईपी मर के नाम से जानते हैं तो जैसे ग्लूकोज बनाया और मैनोज बनाया तो ग्लूकोज का फार्मूला आप मैनोज से मैच करेंगे तो बस एक जगह डिफरेंस मिलेगा कार्बन नंबर सेकेंड पे और जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएंगे तब एक जगह आपको डिफरेंस मिलेगा कार्बन फोर पे बाकी और कहीं डिफरेंस नहीं मिलेगा इसलिए इसको हम ई मर्क कह रहे हैं क्या कह रहे हैं पीमर कह रहे हैं ठीक चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं एनोमर नेक्स्ट <coughs> क्या आते हैं एनोमर एनोमर में याद रखना शुगर्स विच डिफर्स एट कार्बन नंबर वन देखो शुगर जो आपस में कार्बन नंबर वन पे डिफर करते हो इनको हम एनोमर कहते हैं एंड कार्बन वन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन कार्बन वन को हम एनोमेरिक कार्बन के नाम से जानते हैं वहां पे क्या था शुगर्स विच डिफर एट वनली वन कार्बन केवल एक कार्बन पे डिफरेंस था यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा है यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा है कि जो कार्बन नहीं भाई ईपी इनेंशियोमर कैसे हो सकता है ईपी इनेंशियोमर कैसे हो सकता है राजू पाठक अलग अलग हो गया इनेंशियोमर तो आप उसको कहते कि जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन होती जब यहाँ पे मान लो सीओ एच एच रहता और यहाँ सी एच OH रहता और मान लो सी एच टू OH ओ एच और यहाँ पे सेम ही सेम सेम कार्बन पे डिफरेंस होता तब जैसे मान लो यहाँ सी ओ एच है और यहाँ आप यहाँ आप ओ OH एच लिख देते और यहाँ एच लिख देते और यहाँ यहाँ आप एच लिख के यहाँ ओ OH एच लिख देते तब तो इसको आप मिरर इमेज या इनेंशियोमर कहते इनेंशियोमर का मतलब सेम कार्बन पे सेम कार्बन सेम कार्बन पे डिफरेंस सेम कार्बन पे डिफरेंस तब इसको हम इनेंस्यूमर यहाँ ओ इधर यहाँ ओ इधर यहाँ एच इधर यहाँ एच इधर तो तब इसको हम इनेंशियोमर कहते क्या कहते इनेंशियोमर कहते ठीक है ईपी अलग अलग कार्बन पे डिफरेंस की बात हो रही है ईपी मर क्या हो रहा है अलग अलग कार्बन हाँ अलग अलग कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है इनियो आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम <coughs> यहां पे कार्बन नंबर स्पेसिफाई कर दिया है कार्बन नंबर स्पेसिफाई कर दिया है कार्बन वन जैसे जैसे अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ये एक दूसरे के एनोमर है अब हम अल्फा डी ग्लूकोज ग्लूकोज का आपने ग्लूकोज का आपने ये वाला फॉर्मूला देखा था ना ये वाला फार्मूला ग्लूकोज का आपने देखा है अब इसी ग्लूकोज को हम रिंग फॉर्म में बना देते हैं बहुत ज्यादा नहीं आपको समझना है रिंग फॉर्म में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर थोड़ा याद कर लीजिए इस तरीके से रिंग फॉर्म में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ये एच और ओ OH, एच ठीक है यहाँ ओ एच एच ओ एच 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 ओ सॉरी ओ एच एच और सी एच टू ओ एच एच ये ग्लूकोज है ठीक अब देखो मेरी बात को जरा ध्यान दिए कार्बन नंबर वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स ठीक है एक सेम हम और ग्लूकोज बना रहे हैं सेम ग्लूकोज और बना रहे हैं कुछ नहीं करेंगे बस कार्बन नंबर वन पे ओ एच ऊपर कर देंगे बाकी सब सेम बाकी सब सेम <coughs> बाकी सब सेम देखो वेन कार्बन नंबर वन पे ओ एच बिलो द प्लेन होगा तो इसको हम एल्फा ग्लूकोज कहेंगे क्या कहेंगे एल्फा ग्लूकोज और जब कार्बन नंबर वन पे ओ एच एब प्लेन होगा ऊपर होगा तो इसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे क्या कहेंगे बीटा ग्लूकोज और एल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है एनोमर क्योंकि डिफरेंस पे है डिफरेंस एट कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर वन को हम एनोमेरिक कार्बन के नाम से जानते पहले बताइए सभी को समझ आ रहा है हाँ सभी को यहां तक समझ आ गया या नहीं फटाफट बताने की कोशिश करिए ईपी एनोमर ये समझ में आ गया आपको एपीमर्स और एनोमर्स समझ में आ गया कोई दिक्कत हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना कि कोई भी शुगर कोई भी शुगर एल्फा और बीटा फॉर्म एक दूसरे का एनोमर ही होगा एल्फा फॉर्म का मतलब होता है ओ OH, जो कार्बन नंबर वन का ओ OH है वो नीचे हो बीटा फॉर्म का मतलब होता है कार्बन नंबर वन का ओ OH ऊपर हो तो कोई भी शुगर एल्फा और बीटा फॉर्म का होगा तो वो क्या होगा वो होगा बिल्कुल एनोमर चले अब हम आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज मोनोसेक्राइट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है तो यहां पे आप हेडिंग डालेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ मोनो सेकेराइट्स डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेकेराइट्स मोनोसेकेराइट के हम कुछ डेरिवेटिव लिखने जा रहे हैं सबसे पहले और एकदम ध्यान से समझना मेरी क्लास में इधर उधर ना लाइक करना है ना शेयर करना है ना कमेंट करना है ना बात करनी है ठीक है ना हाल चाल लेना है ठीक है बस एकदम बी अटेंटिव और अपने काम पे फोकस करना है अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ए बी सी ये तीन चीज आपको बताने जा रहे हैं ये डेरिवेटिव है मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड से ही बने हैं जैसे क्या है पहला शुगर एसिड शुगर एसिड्स दूसरा है शुगर एल्कोहल शुगर एल्को, अभी आप समझेंगे आपको बहुत मजा आएगा और तीसरा है अमाइनो शुगर्स शुगर एसिड शुगर एल्कोहल और अमाइनो एसिड ये तीन है मोनोसेक्राइड के डेरिवेटिव ये तीन है मोनोसेक्राइड के डेरिवेटिव फिशर प्रोजेक्शन में दिखा सकते हैं दिखाइए कौन कौन रोका है आपको राजू पाठक जी ठीक है लेकिन हम लोग रिंग फॉर्म लेके चलते हैं नेक्स्ट आते हैं देखिए नेक्स्ट आते हैं सबसे पहले हम लोग शुगर एसिड पढ़ते हैं शुगर एसिड को यहीं पे एक चीज लिख लेना शुगर एसिड कैसे बनता है इट इज फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड ड्यूट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ईदर एलिहाइड ग्रुप आर सी एच टू ओ एच ग्रुप आर पोथ ग्रुप्स अच्छा हमारे पास तीन ग्रुप था ना ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप था और सबसे नीचे सी एच टू ओ एच ग्रुप है।, है ना ये हमने देखा था मोनोसेक्राइड में बीच में अपना जो भी है सी एच ओ या सी एच ओ इस तरीके से चाहे इसके ऑक्सीडेशन देखो ऑक्सीडेशन इसका होगा तो क्या बनेगा ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा एसिड बन जाएगा अरे भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा एसिड ये प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी क्या बन जाएगा एसिड तो चाहे इसका ऑक्सीडेशन होगा चाहे इसका ऑक्सीडेशन से बनेगा या इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो सकता है या इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा ठीक इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा तब क्या बनेगा एसिड बनेगा अब चलो देखो ये यह हमने यहां पे लिख दिया है पहले हम इसी को देख लेते हैं शुगर एसिड को क्या लिखा है फॉर्म्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ इधर सी एच ओ ग्रुप आर सी एच टू ओ एच ग्रुप आर ग्रुप्स ठीक अब चलो देखो हमारे पास क्या है हमने ऑक्सीडेशन करा देना है यहां पे हम तीन कंडीशन लिख रहे हैं तीन कंडीशन इफ ऑक्सीडेशन किसका हो बस और बस इफ ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली सी एच ओ ग्रुप केवल सी एच ओ ग्रुप का ऑक्सीडेशन हम लोग करा दे दूसरा कंडीशन क्या है इफ ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली नीचे वाला ग्रुप सी एच टू ओ एच ग्रुप बहुत ध्यान से समझना और तीसरा कंडीशन क्या इफ ऑक्सीडेशन ऑफ बोत CHO एंड सीएच टू ओ एच ग्रुप दोनों का ही ऑक्सीडेशन करा दे तो क्या बनेगा तो क्या बनेगा बहुत ध्यान से समझना ठीक है बहुत ध्यान से समझना मान लो हमने यहां ग्लूकोज लिया है ग्लूकोज लिया है ध्यान से समझना प्लीज एक जनरलाइज्ड टर्म ऊपर हमारा क्या होता है सीएचओ ग्रुप ऐसे देखो बना रहे हैं हम आपके सामने सी एच ओ होता है नीचे एकदम क्या होता है सीएच टू ओ एच और बीच में हमारे पास सी एच ओ एच एच ओ एच इस तरीके से होता है हमें ऑक्सीडेशन बस इसका कराना है बस इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन करा दिया तो ऊपर क्या बन गया सीओ बन गया और नीचे हमारा अभी CH2OH टू ओ एच ही है ठीक इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या कहते हैं एल्डोनिक एसिड क्या कहते हैं एक जनरलाइज टर्म देते हैं एल्डोनिक एसिड अगर बस एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ तो इसको हम एल्डोनिक एसिड कहेंगे अगर बस एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ तो इसको हम एल्डोनिक एसिड कहते हैं ठीक चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं दूसरी कंडीशन में क्या है बहुत ध्यान से समझना भाई ओके दूसरी कंडीशन में हमारे पास ऊपर सी एच ओ एच और नीचे सी एच टू ओ एच एक दो तीन चार ठीक है इसको ऑक्सीडाइज कर दे केवल नीचे वाले ग्रुप को लिखा है इफ ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली सी एच टू ओ एच क्या बन जाएगा CHO और नीचे सीओ एच बन जाएगा नीचे एलडी मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप एसिड बन जाएगा और इस जनरलाइज्ड टर्म को हम कहेंगे यूरोनिक एसिड क्या कहेंगे यूरोनिक एसिड कहेंगे दिस इज वेरी वेरी आईएमपी इसको हम यूरे यूरोनिक एसिड कहेंगे क्या कहेंगे यूरोनिक एसिड और अगर हम दोनों को ऑक्सीडाइज कर दे दोनों को ऑक्सीडाइज मतलब ऊपर सी एच ओ और नीचे सी एच टू ओ एच है ना और दोनों को ऑक्सीडाइज कर दो भाई इसको भी ऑक्सीडाइज कर दो ऑक्सीडेशन और इसको भी ऑक्सीडाइज कर दो तो ऊपर भी सी ओ एच बन जाएगा और नीचे भी सी ओ एच बन जाएगा ठीक है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डायरिक एसिड क्या कहेंगे डायरिक एसिड पहले बताओ मुझे इतनी चीज समझ में आई क्या सभी को इतनी चीज सभी को समझ में आई या अभी कोई दिक्कत है इतनी चीज सभी को समझ आई या अभी कोई दिक्कत है एल्डोनिक यूरोनिक और एलडेरिक एल्डोरिक नहीं एल्डेरिक मान लो भाई अब मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां ग्लूकोज हो तो क्या बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड बना लोगे आप ग्लूकोज बनाना है और ऊपर सीओ कर देना है बस मान लो यहां गैलेक्टोज हो भाई तो क्या बन जाएगा गैलेक्टोनिक एसिड अरे गैलेक्टोज भी तो आप लोग बना ही लोगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर फोर पे डिफरेंस है कार्बन नंबर फोर पे डिफरेंस है समझ आ रहा है और मान लो यहां पे यहां पे इस वाली कंडीशन में ग्लूकोज है तो ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड ये बन जाएगा ग्लूक्यूरोनिक ग्लूक्यूरोनिक भी आप बना लोगे ग्लूकोज बनाना है बस नीचे सीओ एच कर देना है और मान लो यहां गैलेक्टोज हो तो गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड ठीक बना लोगे आप गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड भी बना है ना? अब इसमें देखो इसमें अगर यहां मान लो ग्लूकोज हो तो इसको हम ग्लाइकैरिक एसिड कहेंगे या इसी को वेरी वेरी आई एम पी सैकरिक एसिड कहते हैं सैक्रिक एसिड आप में से कितने लोग सैकरिक एसिड बना लेंगे कुछ नहीं करना है ग्लूकोज बनाना है ऊपर भी सीओएच कर देना है नीचे भी सीओएच करना है और अगर यही गैलेक्टोज हो तो इसको गैलेक्टेरिक एसिड कहेंगे गैलेक्टेरिक एसिड सैकरिक एसिड कितने लोग बना लेंगे जल्दी से बताइए वेरी वेरी आईएमपी एम एसिड ग्लूकोज का एसिड है ग्लूकोज बनाना है ऊपर सी ओ एच नीचे सीओ एच कर लेना है गोपाल रुद्र आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है आपको हम देख रहे हैं कि कई दिन से नहीं समझ आ रहा है हम क्या करें यहाँ सभी सारे स्टूडेंट को एकदम अच्छे से समझ आ रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और है कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है आपका बताइए कंसंट्रेशन कहीं और है और या तो आप डिफिकल्ट इसको समझ के पढ़ रहे हो या आप ऐसा सोच रहे हो कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं और ये सब हो सकता है फालतू फालतू कुछ भी नहीं है जब आप पढ़ना शुरू करोगे सब चीज़ और आपको लगेगा कि बायोलॉजी एक्चुअली में पढ़ते कैसे ठीक है बताइए पहले जल्दी से बताइए आपको इतनी बात समझ में आ रही है आपने शुगर एसिड बना लिया बना लिया शुगर एसिड शुगर एसिड सभी ने बना लिया बन जाएगा सबसे शुगर एसिड <coughs> बन जाएगा तो ये केमिस्ट्री नहीं है बायो का बेसिक है मॉलिक्यूल क्यों पढ़ते हैं हम लोग क्यों पढ़ते हैं मॉलिक्यूल और फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि केमिस्ट्री वीक है तो हमें ये नहीं आ रहा है इसमें कहाँ कुछ केमिस्ट्री का हम फॉर्मूला या कुछ भी बता रहे हैं बिल्कुल सिंपल चीज आपको बता रहे हैं और आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए आपके साथ सारे स्टूडेंट हैं यार यहाँ पे 200 लोग देख रहे हैं लगभग लेकिन आपके साथ सारे स्टूडेंट हैं वो एफर्ट लगा रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि ये टॉपिक उनके चैप्टर में है उनके सिलेबस में है ठीक है जब ये मान के चलोगे तब पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको ठीक अब हम आते हैं शुगर एल्कोहल पे बस ये दो हम लोगों को और पढ़ना है फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे ये शुगर एल्कोहल कैसे बनता है देखो इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ ओनली सीएचओ ग्रुप केवल एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन करना है अच्छा एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सी एच टू ओ एच प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा क्या बन जाएगा प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा तो बस और बस हमें जे एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन कर देने से शुगर एल्कोहल बन जाएगा अब देखो हमने क्या किया शुगर एल्कोहल शुगर एल्कोहल कैसे बनाते हैं देखना जरा ध्यान शुगर एल्कोहल कैसे बनाते हैं हमने क्या कहा कहाम्ड ड्यू टू यहां लिखती है लिखिए कॉम्ब ड्यू टू रिडक्शन ऑफ Only aldehyde group, ठीक अब चलो देखो हमारे पास क्या है हमारे पास यही तो है देखना जरा यही तो है ना हमारे पास एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर यही है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठवा और इसी का हमने क्या कर दिया इसका रिडक्शन कर दिया इसका रिडक्शन कर दिया किसका ऊपर वाले का रिडक्शन रिडक्शन कर दिया तो ऊपर भी बन गया क्या ऊपर भी बन गया सी एच टू ओ एच मतलब प्राइमरी एल्कोहल और नीचे भी बन गया सी एच टू ओ एच ये है शुगर एल्कोहल ये है शुगर एल्कोहल और फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिख रहे हैं इफ ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे या ग्लूकोज का जो एल्कोहल बनाएंगे उसको हम कहते हैं सॉर्बिटॉल ग्लूकोज का एल्कोहल कहलाता है सॉर्बिटॉल वेरी वेरी आई एम पी कितने लोग सॉर्बिटॉल बना लेंगे जल्दी से बताइए कितने लोग सार्बिटॉल बना लेंगे जल्दी से बताइए सार्बिटॉल कितने लोग बना लेंगे कुछ नहीं करना है ग्लूकोज बनाना है ऊपर भी सी एच टू ओएच कर देना है और नीचे भी सी एच टू ओ एच कर देना है ये बन गया सार्बिटॉल। बना लेंगे या नहीं बना लेंगे जल्दी से बताइए कितने लोग सार्बिटॉल बना लेंगे ग्लूकोज बनाना है ऊपर भी जहां सी एच ओ था वहां सी एच टू कर लेना बिल्कुल और अगर यही मैनोज हो इफ मैनोज और ग्लूकोज और मैनोज में कार्बन नंबर सेकेंड पे डिफरेंस होता है ये भी आप लोग बना लेंगे और मैनोज का रिडक्शन कर दो तो ये बन जाएगा मैनीटॉल मैनी टॉल कितने लोग मैनी टॉल बना लेंगे कितने लोग मैनी टॉल बना लेंगे बिल्कुल मैनोज बनाना है ऊपर सी एच टू ओ एच कर देना है और मैनी टॉल इज द स्टोर्ड फूड स्टोर्ड फूड ऑफ राउन एलगी राउन एलगी फियोफाइसी फियोफाइसी का स्टोर फूड है यही तो अब अगर कोई ऐसा कहे मैनीटॉल क्या है भाई ये कार्बोहाइड्रेट है मैनोज का एल्कोहल है हाँ मैनोज का एल्कोहल है मैनोज का एल्कोहल है वेरी गुड बना लेंगे ना मैनीटॉल बना लेंगे देखो कितने गर्व की बात है कि हम मैनिटॉल बना लेंगे बना लेंगे ना ओके okay. <laughs> तो ये हमारा रहा शुगर एल्कोहल ये क्या रहा शुगर एल्कोहल ठीक आप देखना बच्चा हमारा क्या अमाइनो शुगर क्या बचा है अमाइनो शुगर देखना ये कैसे बनता है सार्बिटाल बना दीजिए वंस मोर अरे वंस मोर क्या देखो भाई ग्लूकोज बनाओ ग्लूकोज बनाओगे तो यहाँ सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच और ये और यहाँ सी एच ओ रहता है बस और बस क्या करना है सीएचओ की जगह सी एच टू ओ एच कर दोगे ग्लूकोज में तो बन गया सॉर्बिटॉल और मैनोज में मैनोज भी आपको बनाना बताया था मैनोज बनाओ और ऊपर जहां सी एच ओ है वहां सी एच टू ओ एच कर दो हाँ जा, अगर जाइलोज है तो जाइलिटॉल भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं जल्दी से बता दीजिए सभी लोग एक बार कि सबको समझ में आ रहा है कोई दिक्कत है क्या चलो अगली चीज लास्ट चलते हैं हम लोग अमाइनो शुगर के बारे में नंबर थर्ड क्या है अमाइनो शुगर्स अमाइनो शुगर अमाइनो शुगर कैसे बनता है मेरे हर सेंटेंस को पकड़ना है इफ सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज देखो क्या लिखा है इफ सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज चलो हमने बीटा डी ग्लूकोज कहा बनाया था हम दिखा दें आपको ये देखो बीटाडी ग्लूकोज पहला हाइड्रोक्सिल और ये सेकेंड हाइड्रोक्सिल बीटा डी ग्लूकोज का मतलब ओएच OH ऊपर रहेगा पहले कार्बन का ओएच OH ऊपर रहेगा ये याद रखना है. बीटा डी ग्लूकोज का मतलब पहले कार्बन का ओ एच ऊपर रहेगा बाकी सब सेम रहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब पहले कार्बन का ओ एच नीचे रहेगा हमने क्या लिखा है इफ सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज ध्यान से देखिए इफ सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इज रिप्लेस्ड दर बाई अमाइनो ग्रुप क्या लिखा अमाइनो ग्रुप आर बाई एन एसिटिल अमाइनो ग्रुप क्या लिखा या तो अमाइनो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए या एन एसिटिल अमाइनो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए क्या लिखा हमने <coughs> या तो अमाइनो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए चलो हम पहले बीटा डी ग्लूकोज बना लेते हैं तो यही अमाइनो शुगर बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज बनाने में कुछ नहीं है ये देखो ये बीटा डी ग्लूकोज में ओ OH एच ऊपर कर देना है एच सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये मान लो हमने ऐसे बना दिया इसको ठीक है ये बीटा डी ग्लूकोज ठीक बीटा डी ग्लूकोज का ये सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं चलो हम लोग इसको या तो रिप्लेस कर दें NH2 टू ग्रुप से यहां हम NH2 टू लगा देंगे क्या लगा देंगे NH2 टू लगा देंगे तो लगाइए एन एच टू लगाइए एन एच टू देखिए बस हम भाई यहां एन एच टू लगा देते हैं बाकी सब सेम बाकी और कुछ नहीं बनाने जा रहे हैं बाकी सब सेम तो ये बन गया बीटा डी ग्लूकोसा मीन अमीनो ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया बीटा डी ग्लूकोसा मीन क्या बन गया बीटा डी ग्लूकोस अमीन बन गया और या तो इसको रिप्लेस कर दिया एनएसिटाइल अमाइनो ग्रुप से एनएसिटाइल अमाइनो ग्रुप देखो यही है कौन सा ग्रुप है ये एन एसिटाइल सेकेंड हाइड्रोक्सिल को तो इसको भाई बना देते हैं इसको भी बना देते हैं देखो आपके सामने हम कह रहे हैं ना हमारा माइंड बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं आप बस हमें कुछ नहीं करना है हमें बीटा डी ग्लूकोज लेना है और इसके सेकेंड कार्बन के सेकेंड ओएच OH को रिप्लेस कर दीजिए एनएच सीओ थ्री बाकी सब सेम तो ये बन गया बीटा डी एन एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोसा मीन एसिटाइल ग्लूकोसा मीन को कहते हैं बीटा डी नैग यही बन गया बीटा डी नेग दिस इज वेरी वेरी आई एम पी नैग बन गया एन एसिटाइल अमीन यही क्या बन गया नैग बन गया <coughs> तो अमाइनो शुगर कैसे बना है सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इज रिप्लेस्ड ईदर बाई एनएस टू ग्रुप आर बाई एन एसिटाइल एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप से आपने रिप्लेस किया तो ग्लूकोज अमीन बना और एसिटाइल एन एच एनएसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस किया तो एसिटाइल ग्लूकोज अमीन बना तो एसिटाइल को ही हम लोग नैग कह देते हैं क्या कह देते हैं नैग कह देते हैं क्या कह देते हैं नैग कह देते हैं अब देखना जरा मेरी बात को ध्यान से समझना मेरी बात को ध्यान समझना नोट करके लिखना अगर जो नैग है नैग का जो थर्ड कार्बन है थर्ड कार्बन से लैक्टिक एसिड लिंक कर दो नेग के थर्ड कार्बन से लैक्टिक एसिड लिंक कर दो तो ये बन जाता है नैम एनएसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एनएसिटाइल म्यूरेमिक एसिड ठीक अब आपने नैग देखा है कहां कहां पाया जाता है नैग देखा है आपने कहां कहां पाया जाता है तो हमारे पास क्या है नैग की बात करें जो नैग हम लोगों ने पढ़ा ये नेग हमें दो जगह देखने मिलेगा एक तो वो इसी का पॉलीमर पॉलीमर ऑफ नेग कॉल्ड एज काइटीन नेग का पॉलीमर ही क्या कहलाता है काइटीन कहलाता है दिस इज वेरी वेरी आई बहुत सारे नेग मिलके क्या बनाते हैं काइटीन बहुत सारे नेग मिलके क्या बनाते हैं काइटीन ग का ही पॉलीमर है काइटीन ठीक है और ये कहाँ पाया जाता है तो आपको पता है फंगल सेल वॉल में फंगल सेल वॉल में एग्जोस्केलेटन ऑफ आर्थोपोडा एक्जो स्केलेटन ऑफ आर्थोपोडा आर्थोपोडा के एग्जोस्केलेटन में सिटी ऑफ कॉकरो सिटी ऑफ अर्थवम अर्थवम के सिटी में गिजर्ट ऑफ कॉकरोच गीजर्ट ऑफ कॉकरोच ऑंकोस्फियर या हेग्जाकैंथ लार्वा हेग्जाकैंथ लार्वा ऑफ टेपम आप देखते हैं टेपम का जो हेग्जा कैंथ लार्वा होता है उसमें ऐसे सिक्स सिक्स काइटीनस वो होते हैं है ना काइटिनस तो काइटिन कहाँ कहां होता है वेरी गुड और ये नेग कहां होता है और ये नेग होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में आपको बताया था कल ही कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो किसकी बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन की किसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की जिसको हम म्यूरीन कहते हैं और इसमें पेप्टाइड में आठ से दस एमिनो एसिड होते हैं और बताया भी था आपको जो आठ से दस एमिनो एसिड होते हैं वो डी फॉर्म अमीनो एसिड होते हैं डी फॉर्म एमिनो एसिड होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें नैग और नैम नैग और नैम होता है और बॉन्ड बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है आगे आपको बॉन्ड के बारे में भी पढ़ाएंगे आपसे पूछा जाए नैग और नैम के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है तो बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है पीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जल्दी से बताइए क्या आपको ये लेक्चर में कहीं कोई कमी नजर आई ये पूरा मोनोसेक्राइड खत्म है कल डाई सेक्राइड और पॉलीसेक्राइड खत्म हो जाएगा तो कल की क्लास मेरी और रहेगी यूट्यूब पे कल डाई सेक्राइड और पॉलीसेक्राइड खत्म हो जाएगा बेहतरीन तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो आज की क्लास यहीं तक कल मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ हाँ ठीक है कल मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ और जितनी चीज़ें हमने आपको बताई जितनी भी चीजें हमने आपको बताई एकदम हाँ नेट के बारे में भी बताएंगे गोलू आप परेशान मत होइए चलिए गोलू बता रहे हैं कि मैम नेट बता दीजिए तो देखो जो आर्की बैक्टीरिया होता है ना आर्की बैक्टीरिया जो होता है उसमें आर, आर्की बैक्टीरिया में ध्यान से देखिएगा इन आर्की बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है उनकी सेल वॉल बनी होती है स्ट्यूडोम्यूरिन टूडोम्यूरिन क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पे नैग के साथ साथ नेट होता है ये नेट क्या है नेग तो पता है एनएसिटाइल ग्लूकोस अमाइन ये होता है एनएसिटाइल टैलोस अमाइन न्यूरिक एसिड एनएसिटाइल टेलोस अमाइन्यूरो अमाइनो अमाइन्यूरिक एसिड और ये क्या है एनएसिटाइल ग्लूकोस अमाइन ठीक स्यूडोम्यूरिन बताइए कैसा लगा आपको आज की क्लास और बाकी आप लोग ने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ठीक है प्रोटीन कार्बो हाँ, प्रोटीन हमने आपको पढ़ाई दिया है और हमने आपको अमीनो एसिड भी पढ़ा दिया ठीक है हमने आपको बायोमोलिक्यूल्स के सारे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग में जो कुछ बता दिया कल हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट और जितनी भी चीज़ें हमने देखी एक एक चीज़ हम बार बार कहते हैं हमें सब पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं कुछ एक्सेप्शंस लिखे हमने ठीक है और डेफिनेशन हमने आपको बताया पॉलीहाइड्रॉक्सीटोन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ओ एच ग्रुप के नंबर ऑलवेज ऑलवेज कितने होने चाहिए टू आर मोर देन टू दो या दो से ज्यादा होने चाहिए ठीक है मोनोसेक्राइड ऑलिगोसेकराइड और पॉलीसेक्राइड ठीक नहीं भाई रॉस कोमा वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस अलग अलग है कौन पूछ रहा है अनिल कुमार पूछ रहे हैं रॉस सार्कोमा वायरस जो रॉस सार्कोमा वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है और वाउंड ट्यूमर वायरस का वाउन ट्यूमर वायरस का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए ठीक ओके इसके बाद हमने आपको बताया सबसे सिंपलेस्ट ट्रायोज है फिर टेट्रोज है फिर पेंटोज है फिर हेग्जोज है ठीक है ना और हमने आपको बताया ईपी e. मर क्या होते हैं एनोमर e. क्या होते हैं ठीक है ईपी मर क्या होते हैं एनोमर क्या होते हैं शुगर एसिड क्या होता है शुगर एल्कोहल क्या होता है अमाइनो शुगर क्या होता है ठीक है शुगर एल्कोहल और अमाइनो शुगर क्या होता है अमाइनो शुगर आपने देखा और उसके बाद हमने बताया नैग और नैम और नेट के बारे में ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है बाकी आप सभी को पता है कि कल कल बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हमने बैच में फी ऑफ कर फी ऑफ कर दिया है रैंकर्स बैच की फ़ी हमने बस ढाई हज़ार कर दी है बस ढाई हज़ार कर दी है और सुप्रीम बैच की फ़ी हमने सुप्रीम बैच की फ़ी हमने साढ़े तीन हजार कर दिए और आपको पता है ये सारी बैच ना दस हजार वाले बैच के आगे भी जो है ना सुपीरियर है ये मेरा वादा है ये मेरा दावा है ये सारे बैच जो ढाई हजार में ढाई हजार में जो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे ठीक है ढाई हजार में जो मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो मेरी लेक्चर्स uh, मिलेंगे वो तो दस बीस हजार रुपये के बैच के आगे भी ये सुपीरियर है सुप्रीम बैच इतना धांसू बैच है जो अभी ओल्ड सुप्रीम चल रहा है खत्म होने के कगार पे है इतना धांसू बैच है कि उससे पढ़ पढ़ के सी तक क्लियर किए हैं लोग और फी हम नाम मात्र का रखते हैं अपने स्टूडेंट की सुविधा के अनुसार बाकी आप लोग कम करने को कहते हैं तो हम कम भी कर देते हैं तो यहाँ पे हमने फी इस वक्त ये अट्ठारह और उन्नीस सेप्टेम्बर तक अट्ठारह और उन्नीस सेप्टेम्बर तक हमने आपको ये फी जो है कम कर दिया है पाँच सौ रुपये ठीक है चलिए इवनिंग की क्लास तो होगी ही हो होगी इवनिंग वाली क्लास सुप्रीम वाली बैच वाली क्लास तो होगी आरती राजपूत थैंक यू सो मच चलिए ओके okay, बाय बाय अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मिलते हैं कल की क्लास में कल भी हम कार्बोहाइड्रेट को कंटिन्यू करेंगे ठीक है प्रोटीन ऑलरेडी पड़ा हुआ है प्रोटीन आप लोग देख सकते हैं लिपिड का भी लेक्चर पड़ा हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे Uh, मतलब पहले सुप्रीम बैच वाले का और उसके बाद जो है एंजाइम्स के भी कुछ लेक्चर शायद पढ़े हुए हैं तो ओ... ठीक है ओके ओके